नमस्कार, मैं हूँ दीपक चौरसिया। नहरे पे दहला टक्कर में आपका स्वागत है। आज शनिवार का दिन है और हमारे साथ आमने सामने हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी और कांग्रेस से समर्थक अनुज अत्रे, जो बात करेंगे इस हफ्ते के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर। हम इन टक्कर में आपका स्वागत है। आज शनिवार का दिन है और हमारे साथ आमने सामने हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी और कांग्रेस से समर्थक अनुज अत्रे, जो बात करेंगे इस हफ्ते के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर। हम इन दोनों से 10 सवाल पूछेंगे और यहां पर मौजूद जनता भी उन सवालों में हमारे साथ शामिल हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं नहरे पे दहला टक्कर की पहले सवाल के साथ। राजीव जेटली जी, आप 6,000 रुपए किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, क्या राहुल गांधी का 72,000 रुपए का वादा आप पर भारी पड़ेगा? नहीं, अगर ये वादा जरूर भारी पड़ता। अगर राहुल गांधी जी की ये परंपरा ना होती कि हम गरीबी हटा देंगे, ये तो सारा ही देश जानता है। एक गरीबी ही तो ऐसी चीज है जिसका प्यार कांग्रेस के साथ आज से नहीं 70 सालों से है, जिसका संबंध कांग्रेस के साथ 70 सालों से है। और ये वायदे बार बार करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चुनावों का माहौल है, चुनावों में आप 72,000 की बात करें, 72 करोड़ की बात करें, आप कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि देश की जनता को क्या समझा है उन्होंने? यही देश की जनता तो है। हमारे बीच में कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, बहुत लंबे टाइम से देखते हुए आ रहे होंगे कांग्रेस को, युवा भी बैठे हैं जो अभी से देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो लगभग अपने 5-5, 8-8, 10-10 वोट दे चुके हैं 10 बार। लेकिन क्या आपने कभी देखा गा गे गी गा, खाएंगे करेंगे खाएंगे पिएंगे? अरे गे, कभी ये बताया उन्होंने क्या कर चुके हैं हम? ये नहीं बताया हम क्या कर चुके हैं, क्या दे चुके हैं, क्या देना चाहिए था, कहां पहुंचना चाहिए था हमारे देश को। जो हमसे बाद में आजाद हुए वो विकसित देश है, आज भी हम विकासशील देश है और आज भी हमें कहते हैं गा गी गे घो। और आप देखिए इस बार का मैनिफेस्टो कितना बदला हुआ नजर आएगा। आप सभी लोग जानते होंगे जब भी मैनिफेस्टो बनते थे सबसे बड़ा बिंदु क्या होता था मैनिफेस्टो में, जरा गौर कीजिए। बिजली, बिजली आएंगे तो बिजली देंगे, बिजली आएंगे तो बिजली देंगे। अरे बिजली जैसी चीज 70 सालों में नहीं दे पाए थे इस देश के प्रधानमंत्री ने। पहली बार 5 साल में इनके मैनिफेस्टो से बिजली का शब्द हटवा दिया, बिल्कुल हटा दिया। अब बिजली नहीं लिखते हैं ये, किसानों को समृद्धि की बात करते थे, MSP नहीं लिख पाए क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत राजनीति करी है इन्होंने, वो भी हटवा दिया हमने। अब डाल रहे हैं तो क्या डाल रहे हैं? आएंगे तो देशद्रोह का कानून हटा देंगे ताकि कोई भी खड़ा होके अमर जवान ज्योति को लात मारे तो उसके ऊपर कोई कानून कोई धारा ना बन पाए। कोई भी खड़ा होके बोले मैं देश के 50 टुकड़े कर दूंगा उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो पाए। आएंगे तो कश्मीर में आतंकवादियों को समृद्ध करेंगे, उन्हें ऐसा कानून देंगे कि जाइए आर्मी के खिलाफ जिसके जिसका मन करता उसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज। यहाँ पर रुकते हैं। 72,000 रुपए अनुज अत्रे जी, आप जिस पार्टी के समर्थक है वो पार्टी अपने घोषणा पत्र का ये वादा कैसे पूरा करेगी? देखिए दीपक जी, ये घोषणा पत्र का वायदा ऐसे पूरा होगा कि देश की जनता जानती है कि जो कांग्रेस कहती है वो करती है। कांग्रेस का मंत्र एक ही है कि जो हमने कहा है वो इस देश में अब तक हुआ है। हमने इनकी तरह वो नहीं किया कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वायदे किए थे कि तमाम चीजों का, मैं चीजें 60 साल बनाम 60 महीने का वायदा किया था और आज 60 महीने पूरे होने के बाद भी अब अपने उन 60 महीनों का जो है वायदा का हिसाब नहीं देते हैं। लेकिन इन्होंने वायदा किया था 15 लाख का और हम वायदा कर रहे हैं 72,000 का। देश की जनता जानती है कि वो 15 लाख इन्होंने खुद कहा कि वो जुमला था। प्रधानमंत्री जी ने कल ही अपने इंटरव्यू में बोला है कि मैंने नहीं कहा कि मैं सारे वायदे पूरे करूंगा, मैं वायदों का पूरा करने के लिए नहीं हूं। और अमित शाह जी ने कहा था कि चुनाव के समय में कहे हुए वायदे जुमले होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी ने सिद्ध किया। लेकिन फर्क यह है कि इन 60 सालों में कांग्रेस ने जो वायदे किए कांग्रेस ने पूरा किया। हम, मैं यूपीए की बात करता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की, ज्यादा पुरानी बात करूंगा तो बहुत लंबा चले जाएगा। हमने 2005 में वायदा किया था कि देश में मनरेगा लेकर के आएंगे, देश के गरीबों को जो है हो गई है। अनुज जी, पुरानी बात हो गई है। नहीं, पुरानी देखिए, मनरेगा का वायदा हमने पूरा किया, मनरेगा का वायदा उसी हिसाब से हम 72,000 कैसे देंगे ये बताइए। 72,000 वैसे ही देंगे जैसे मनरेगा से हमने किया, या 72,000 उसी प्रकार से आएगा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो 3.25 लाख करोड़ रुपए देश के उद्योगपतियों को माफ किया था। तो क्या हम देश के गरीबों को, देश की जनता को, हम जब 20% जो हमारी देश की जनता गरीब है, क्या हम 5 करोड़ देश के गरीबों को, जो देश के गरीब परिवार है, हम उनको 72,000 करोड़ नहीं दे सकते क्या? क्या हम प्रधानमंत्री की तरह 72,000 करोड़ नहीं, मैं 72,000 रुपए 12,000 रुपए महीने का तो याद कर लीजिए, 12,000 रुपए महीने का, 72,000 रुपए साल का,
पांच करोड़ गरीब आदमियों का, 25 करोड़ परिवारों का और 20 करोड़ गरीब जनता का, 20% गरीब जनता का। राजीव जी एक लाइन सवाल की तरफ। तो इनकी बात मैंने कहा, चुनाव है, चुनाव का दौर है, वायदे हो रहे हैं, ले लीजिए, क्या दिक्कत है, ले लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन अगला सवाल, सियासी पार्टी के लिए गरीबी हटाओ जैसा नारा क्या चुनावी हथकंडा है, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि 60 साल आपने राज्य किया तो आज 72,000 आपको क्यों प्रॉमिस करना पड़ा कि हम प्रॉमिस करना पड़ रहे हैं? अच्छा सवाल है, क्या ये सिर्फ सियासी हथकंडा है, आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ इस तरह के गरीबी हटाओ जैसे नारे क्या सिर्फ सियासी हथकंडा होते? सर 72,000 का जुमला जो है बिल्कुल जुमला ही है, इससे क्या लोग निठल्ले हो जाएंगे, काम जो कह रहे हैं ना महीने 12,000 रुपए देंगे, इससे क्या होगा, लोग क्या खाली बैठेंगे, बोलेंगे हम रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे, 12,000 रुपए फ्री मिलने उन्हें, तो इससे क्या लोग क्या फ्री में देना ठीक है, ये भी क्या इकोनॉमी के लिए ठीक है, क्या इस तरह के चुनावी वादे की गरीबी हटाए, आपको क्या लगता है ये सिर्फ सियासी हथकंडे होते हैं? अगर 6,000 रुपए देना चुनावी हथकंडा है तो 72,000 रुपए भी देना चुनावी हथकंडा है। 6,000 रुपए देना, आपने 6,000 दिए वो भी चुनावी हथकंडा है जो किसान सम्मान निधि है? मुझे शायद मेरे साथी को पता नहीं होगा, हमने 6,000 रुपए देना शुरू कर दिया है, 72,000 रुपए का वायदा किया गया है और वायदा जो है ये पहली बार नहीं किया गया। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से जब ये बात की गई कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाए तो प्रधानमंत्री जी का क्या कहना था पता है आपको? उन्होंने कहा पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। तो राहुल गांधी जी उनका अगर ऑर्डिनेंस फाड़ सकते हैं तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ना उनका कोई अर्थशास्त्र है, ना उनकी कोई नीति है, ना उनकी नीयत है। और क्योंकि ये सभी चीजें नहीं है तो एक वायदा कर रहे हैं, अगर उनको सच्चाई में गरीबों का साथ होता तो आप ये देखिए वो आजकल सीट ढूंढते हैं, सीट कौन सी ढूंढते हैं, कहां पर हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, जहां हिंदुओं की संख्या कम हो रही है वहां से चुनाव लड़ने जाते हैं। कांग्रेस की विडंबना देखिए, जहां पर हिंदुओं की संख्या कम होगी वहां से राहुल गांधी भटक रहे हैं। राजीव जेटली जी मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दा था कि आपने भी 6,000 देना शुरू कर दिया है जो ये 72,000 दे रहे हैं, आपने भी चुनावी हथकंडे का इस्तेमाल किया है, अगर जनता ये कह रही है तो गलत क्या है? मैं आपसे केवल चौरसिया जी इतनी बात कहना चाहता हूँ, शायद कई लोगों को ये जानकारी नहीं होगी, कांग्रेस एक बार बार बात कहती है कि हमने किसानों का ऋण माफ कर दिया था। आपको पता है वो टोटल मिला के ऋण कितना था? मात्र 53,000 करोड़ रुपया, 6,000 रुपया। लेकिन जो सम्मान निधि किसानों को दी जा रही है उसमें कितना पैसा जा रहा है? हर साल 73,000 करोड़ रुपया। और तब से लेके आज तक एक ही भाषण दे, हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। अरे हम तो एक बार भी नहीं कह रहे कि हमने 73,000 करोड़ रुपए 6,000 रुपए के हिसाब से हर साल देना है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा सवाल जो जनता के साथ में लेता हूं वो ये है कि क्या सेना पर राजनीतिक दलों को सियासत बंद करनी चाहिए? क्या बंद करनी चाहिए? हाँ बंद करनी चाहिए सेना पर, लेकिन मेरा एक प्रश्न और है। एक मिनट, मैं इसी सवाल पर रुकूंगा, अगले प्रश्न की तरफ आऊंगा। क्या सेना पर सियासत बंद कर देनी चाहिए? हाँ बंद कर देनी चाहिए। जेटली जी आप पर क्योंकि आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये देश की सेना नहीं मोदी की सेना है, चुनाव आयोग उनको फटकार लगाता है, सेना का राजनीतिक इस्तेमाल क्यों? नहीं बिल्कुल नहीं, ये योगी जी की आप बात कह रहे हैं, योगी जी ने कहा, बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये देश का किसान मोदी का किसान, ये देश का नौजवान मोदी का नौजवान, देश की महिलाओं का ख्याल अगर किसी ने रखना है, गरीब महिलाओं को, तो देश के प्रधानमंत्री ने इसी तौर पर उन्होंने ये भी बोल दिया कि देश की सेना मोदी की सेना, मोदी जी की सेना, उसी तौर पर बच नहीं सकते आप, मोदी की सेना का बचेंगे क्यों? मोदी जी की सेना कहना गलत है। अरे बचेंगे क्यों, सेना तो हमारी है, सेना तो हमारी है, देश की है। मैं कह रहा हूँ सेना देश की है कि इनकी है? देश की। तो मैं कहाँ बात सुन ली, मैं कहाँ मेरी है, मैं हमारी का मेरी है, हमारी है, हमारी, हाँ हमारी है। आप हमारी सेना का राजनीतिक इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए वो ये वही सेना है कि देश का सैनिक आज प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ने वाराणसी जा रहा है, देश के किसान 100 से ज्यादा किसान जो किसान की बात कर रहे हैं, किसान इतना त्रस्त है कि वाराणसी में साउथ से आकर गए, वो कहते हैं हम 100 किसान एक साथ लड़के चुनाव प्रधानमंत्री के सामने लड़ेंगे। आज ये प्रधानमंत्री जो सेना की बात करते हैं, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग को चुनाव डिक्लेयर करते ही भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देनी पड़ी कि सेना का नाम का प्रयोग कोई नहीं करेगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलवामा में जो हमला हुआ हमारे 42 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए और देश के प्रधानमंत्री अगले दिन मेरा बूथ सबसे मजबूत की रैली करते हैं और अपने पीछे शहीदों की फोटो लगा करके देश की जनता से वोट मांगते हैं। क्या मोदी की सेना जैसे जुमलों से बीजेपी को नुकसान होगा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है
ये कुछ भी बोले, लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक मोदी ने कराई थी उसके बाद अच्छे अच्छों का मुंह भी बंद हो गया था। अच्छों का मुंह बंद हो गया, आपको क्या लगता है क्या मोदी की सेना जैसे जुमलों से बीजेपी को नुकसान हो? नहीं, नुकसान नहीं चाहते हम। नुकसान आप नहीं चाहते, भलाई चाहते हैं। देश की भलाई चाहते हैं। क्या मोदी की सेना जैसे जुमलों से बीजेपी को नुकसान होगा, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, आपको क्या लगता है क्या नुकसान होगा मोदी? सर बिल्कुल नहीं होने वाला नुकसान तो मोदी जी को। क्या मोदी की सेना जैसे जुमलों से बीजेपी को नुकसान होगा, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने सरकार ने किसी ने स्टेप लिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। पहले कांग्रेस की सरकार 60 साल की थी, कभी इन्होंने स्टेप नहीं लिया। पहले उन्होंने दो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। मैडम आप बच्ची थी, शायद आप पैदा नहीं होंगे, बट हमारे पास जानकारी में तो अभी स्टेप उन्होंने कुछ लिया बीजेपी वालों। बार बार ये क्यों बोलते हैं दो टुकड़े कर दिए थे, ये क्यों नहीं बोलते तीन टुकड़े कर दिए थे इस देश के? बार बार आप ये क्यों कहते हैं दो टुकड़े कर दिए थे? कर रहा हूँ तीन प्रधानमंत्री बनाए थे, तीन। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान और बांग्लादेश। ना मैं तो कह रहा हूँ इस देश के टुकड़े कर दिए थे इन्होंने अपनी सत्ता के लोग में। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश हुआ वो अलग था, और जो भारत और पाकिस्तान हुआ वो अलग था। अनुज अत्रेय जी, सवाल आपसे, अगर मोदी की सेना भी कहते हैं लोग तो जनता को फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए खतरे की घंटी है? नहीं, देखिए ये जनता को हो सकता है कि क्या आज आखिर ये हमारे कुछ साथी यहाँ पर मोदी मोदी कर रहे हैं, मैं भी इनके साथ खड़ा होकर के मोदी मोदी करता अगर इन पांच सालों में मोदी जी ने, सुन लीजिए, अगर इन पांच सालों में आज हम लोग प्रचार में बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इन पांच सालों में बनी है केवल प्रचार में चली है। प्रचार मंत्री नहीं चाहिए हमको इस देश में, हमें प्रधानमंत्री चाहिए। वो देश का नेता नहीं चाहिए जो देश की जनता की टैक्स की कमाई का 5,000 करोड़ रुपए अपने प्रचार में खर्च देता है। आज देश की सेना अगर विश्व में तीसरी बड़ी सबसे सेना हमारी देश की सेना है तो इन 2014 के बाद नहीं बनी, आपको शायद जानकारी होनी चाहिए। देश की सेना, अनुज अत्रेय जी, आप जो कह रहे हैं जनता से एक दर्शक हाथ उठा रहा है, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा विदाउट गोइंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि जो अनुज अत्रेय जी कह रहे हैं वो सही है? बिल्कुल गलत है। इन्होंने 10 साल में ऐसा कुछ किया ही नहीं जो उसके बेस पर ये कुछ वोट भी मांग सके। ये बोलते हैं कि बीजेपी बोलती है सेना ने हमने सर्जिकल स्ट्राइक, अरे बीजेपी ने कराई तो एटलीस्ट तुमने 10 साल में ऐसा क्या करा दिया जो कांग्रेस पाकिस्तान में छाती को घूरता है? अगर तुम ऐसा करते, अगर आप ऐसा करते हो यहाँ पे ये लोग मोदी मोदी नहीं कर रहे होते। इन्होंने मजबूर किया हमको कि हम मोदी मोदी करें, हमारी उम्मीद है क्योंकि एटलीस्ट कोई बंदा तो है यहाँ पे जो हमें रोशनी दे रहा है, आपने तो हमें डूब के रख दिया। और दूसरी बात, आप हमें 2019-2020 में हमसे ये कहते हैं कि हम आपको महीने 6,000 रुपए देंगे अगर आप 10 साल, अगर आप 10 साल दे यहाँ पे कोई डेवलपमेंट करते तो ये नौबत ही नहीं आती हमें 6,000 रुपए देने पड़ते। अनुज अत्रेय जी जवाब, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं। देखिए मुझे लगता है कि हमारे ये भाई ने जो प्रश्न उठाया 10 सालों में, लेकिन अब उन 10 सालों के बाद तो हमने क्या किया क्या नहीं किया उसका जवाब जनता ने 2014 में दे दिया, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अब किसका, अब किसका दिया आपको? अब हमारे बुरी तरह रहा है, हम स्वीकार करते हैं 44 सीटों पर। देखिए हम दीपक जी स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या अब इन 60 महीनों बाद 2014 से 2019 के बाद अगर देश के प्रधानमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड पेश न करके और जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी और नरसिम्हा राव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की बात करें तो अपने कार्यकाल की कब जवाब देंगे? हम ये पूछना चाहते हैं। अभी मेरे भाई ने अभी प्रश्न उठाया, कुछ आंकड़ा मैं आपके सामने देना चाहूंगा कि इन 5 सालों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों से सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, यह सरकार अपना प्रचार करती है लेकिन आंकड़े छुपा जाती है। जरा ध्यान से सुनिएगा आप, जो ये क्रूड ऑयल जो विश्व भर में, जब हमारी सरकार के समय जब क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल था, इनकी सरकार के समय $30 पर आ गया, और जो पेट्रोल कांग्रेस की सरकार में हम लोग दिया करते थे ₹44, इन्होंने $30 पर आने के बाद भी ₹89 में बेचा। ये कौन सी योजना है, ये कौन सा वो है, ये बता दीजिए। और जो डीजल हमने $110 से खरीद करके ₹34 में बेचा देश के गरीब किसान को, देश की जनता को, इन्होंने वो ₹34 का डीजल और कम हो जाना चाहिए था, इन्होंने ₹78 भी बेचा, क्या भूल गए क्या? 5 साल अनुज अत्रेय जी इसको मुद्दा नहीं बना पाए और जनता की मेमोरी में ये मुद्दा है भी नहीं, इसीलिए मैं आपको रोकूंगा और मेरे अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा जो पांचवा सवाल है। क्या 2019 में मोदी 2014 जैसा राजनीतिक और पॉलिटिकल और चुनावी करिश्मा दोहरा पाएंगे? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि 2020 में ये दोबारा मोदी जी सरकार बनेगी, क्योंकि 2019 में क्योंकि जो उनके जो भी किए हुए काम है वो दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है 2019 में 2014 जैसा करिश्मा दोहरा पाएंगे? हाँ जी दोहरा पाएंगे।
कारण आपका, कारण क्यों? कार्य उनका कार्य दिखाई दे रहा है उनको, उनका कार्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जाते हैं, एक यंग बिटिया हमारी बैठी हुई है, आप बताइए क्या 2019 में 2014 जैसा करिश्मा दोहरा पाएंगे मोदी? बिल्कुल दोहरा पाएंगे, क्योंकि मोदी जी सिर्फ वादे नहीं करते, उन्होंने हर चीज का सोर्स बताया है। उन्होंने जब 60,000 करोड़ जब उन्होंने 60,000 करोड़ बोला कि वो देंगे, तो उन्होंने ये सोर्स बताया कि वो कहाँ से देंगे। उन्होंने बताया कि जो एलईडी बल्ब और उन सब चीजों से उनकी बचत हुई है 50,000 करोड़ की, वहां से उन्होंने वो चीज बचा के और फिर फार्मर्स को दिए, ना कि वो सिर्फ वादे करते हैं। जब उन्होंने 60,000 करोड़ बोला कि वो देंगे, तो उन्होंने ये सोर्स बताया कि वो कहाँ से देंगे। उन्होंने बताया कि जो एलईडी बल्ब और उन सब चीजों से उनकी बचत हुई है 50,000 करोड़ की, वहां से उन्होंने वो चीज बचा के और फिर फार्मर्स को दिए, ना कि वो सिर्फ वादे करते हैं उस चीज के। अनुज अत्रे जी, यहाँ पर क्रेडिबिलिटी का संकट है, उनको लगता है, जो दर्शक यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको मैं देश का प्रतिनिधि नहीं मानता हूँ, लेकिन पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, एक जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दिल्ली और एनसीआर के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या देश में भी आपके सामने इसी तरह की क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है जो इस जनता के सामने है? देखिए, मैं आपके चैनल से इसमें लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, फर्क क्या है कांग्रेस में और बीजेपी में? फर्क यह है कि हमारे अंदर एक कमी रही है, बहुत बड़ी कमी ये रही कि हम लोग अपना प्रचार नहीं कर पाए। हम लोग वो प्रचार नहीं कर पाए कि इस देश में 5,97,000 गांव है। जरा ध्यान से सुनिएगा, उन 5,97,000 गांव में से 5,80,000 गांव में कांग्रेस ने बिजली पहुंचाई, बचे हुए 18,000 गांव में मोदी जी ने एक बिजली पहुंचा दी। तो इस देश में ऐसा हाइप क्रिएट कर दिया कि जैसे इस देश में 2014 से पहले बिजली नहीं थी, और हम लोग सब विश्वास करते रहे कि इस देश में बिजली 2014 के बाद आई। क्या यह चीज सही है? क्या आप उस चीज को स्वीकार करेंगे? ये कमी है तो कांग्रेस में कमी है कि हमने प्रचार नहीं किया, हमने उस देश की जनता के सामने एहसान नहीं दिखाया कि हमने अपनी ड्यूटी मानी। और आपको किसी ने रोका नहीं था, आपको किसी ने रोका नहीं था। ये फर्क है, हमारा काम देना पड़ेगा, हमारा काम देना पड़ेगा। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह और मोदी जी में फर्क बताता हूँ छोटा सा। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मनमोहन सिंह कहते रहे मोदी जी, मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मौन ने वो काम कर दिया जो इनके शोर ने 5 साल काम नहीं किया। क्या किया मैं बताता हूँ आपको, सुनिए। ये कहते हैं कि हमने पेट्रोल डीजल से जो 10,00,000 करोड़ रुपए कमाए, अपनी जेब में डाले, सरकार की जेब में डाले, ना जाने किसकी जेब में डाले, कि हमने विदेशों का कर्जा उतारा। आपको मैं आंकड़े पेश करता हूं, देता हूं। देश की जनता इस समय बहुत जागरूक है, सब चीज ये पब्लिक डोमेन में, आप जाकर के सबके पास स्मार्टफोन है, अभी बैठे बैठे चेक कर सकते हैं। 2014 में हमारे देश के ऊपर 296 अरब डॉलर था कर्जा, 296 अरब डॉलर कर्जा था, जो ये कहते हैं हमने कर्जा उतारा। और 2019 तक आते आते वो कर्जा इन्होंने 486 अरब डॉलर पहुंचा दिया। क्या ये देश का विकास हुआ है? ये पैसे से इन्होंने कर्जा उतारा है? आप शोर मचा रहे हैं, चेक कर लीजिए। शायद लोग टेलीविजन डिबेट में नहीं समझ पाए। राजीव जेटली जी, मेरा सीधा सवाल, जो आरोप ये आप पर लगा रहे हैं कि आप प्रचार मंत्री ज्यादा है, देश के मंत्री कम है, किस चीज का प्रचार करेंगे? इनसे पूछे तो सही। पहली बात तो मैं इनका जवाब देता हूँ, मुझे शोर मचाने की आदत नहीं है बिना मतलब में। हमारे देश के अंदर, हमारा देश एक बहुत बड़ी लिस्ट में आता था, सम्मानजनक लिस्ट इनके हिसाब से, उसे कहते थे फ्रेजिल 5 में। मतलब हम सबसे दुनिया के ऐसे देश थे जहां पर विदेशी लोग, जो समृद्ध विकसित लोग थे, वो कहते थे अरे भारत तो गरीब सा कंट्री है, कोई बात नहीं, अगर ये नहीं दे पा रहा हमें पैसे तो छोड़ दो इसे। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, ये शायद जानकारी नहीं होगी इनके पास, लेकिन ले लें। दूसरी बात, जो अपने प्रधानमंत्री का खुद सम्मान नहीं करता, ये हमें उसमें सम्मान करने के लिए कह रहे हैं। किसने फाड़ा था ऑर्डिनेंस? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का ऑर्डिनेंस किसने फाड़ा था? राहुल गांधी जी ने। कहां फाड़ा था? पब्लिक के बीच में, जो अपने प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के लिए यहां पे खड़े होकर हमसे चर्चा कर रहे हैं? ऐसे व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति को अपने देश की जनता पर विश्वास नहीं, जो ये देखता हो हिंदुओं की आबादी कहां कम हो रही है, मुझे वहां चुनाव लड़ने जाना है। मुस्लिम लीग जिसने इस देश के दो टुकड़े करवाए थे, उसके साथ अलायंस करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरे बंद लड़िए, कोई बात नहीं, कम से कम हमारी सेनाओं का तो ख्याल कीजिए, सेनाओं के ऊपर। इनसे प्रश्न तो पूछिए, ऐसा क्या कसूर किया है हमारी सेनाओं ने कि आपने मैनिफेस्टो के अंदर आप एक बात लेके आए हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई हम अफस्पा हटा देंगे, मतलब हटा देंगे, और उसके बाद क्या होगा? कोई भी आतंकवादी निकल के कहेगा राहुल गांधी जी मुझे ये सैनिक पसंद नहीं है, मैं इसके खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज करवाना चाहता हूं। राहुल गांधी कहेंगे चला करवा दिए, हिंदू है ना, करवा दो, क्योंकि मुझे तो मुसलमानों का वोट चाहिए, क्योंकि मैं तो मुसलमानों की पार्टी हूं, मैं खुद मुसलमान हूं, ये मैं नहीं कहता हूं। राहुल गांधी मुसलमान करके, ये हिंदू मुसलमान करके आप भी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं राजीव जी, क्यों चले गए हिंदू मुसलमान?
क्यों चले गए? ये गए आप क्यों कर रहे हैं ये कुछ? हम नहीं कर रहे, मैं अपने सैनिक के लिए रो रहा हूँ, मैं अपने सैनिक के लिए आज भी अपेक्षा कर रहा हूँ। कम से कम इतनी शर्म आनी चाहिए कि मैनिफेस्टो में से तो हटाइए, मैनिफेस्टो में आप क्या कहते हैं बताइए। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनता है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोविजन एक्ट जो सीमावर्ती राज्यों के अंदर सेना को विशेष अधिकार देता है, आपने उसके रिव्यू की बात क्यों कही? क्या आपको नहीं लगता इससे आतंकवादियों और देशद्रोहियों का हाथ मजबूत होगा? देखिए, मैं अफसपा पे इन्होंने प्रश्न उठाया, बहुत अच्छी बात है, मैं उठाना बताना चाहूंगा। हालांकि मैं पहले ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस का जब मैनिफेस्टो जारी हुआ उसमें 55 पेज का मैनिफेस्टो में 41वें पेज पे अफसपा था, लेकिन उसके पहले 40 पेज में विकास के पर क्यों था? अगर था तो क्यों था? देखिए, अफसपा क्या है? अफसपा क्या है? आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की बात है। ये अफसपा वो है कि जो 1990 में जेएनके पे लगाया गया था स्पेशल एक्ट लग के, लेकिन इसको सबसे पहले देश में खत्म किसने किया? 2015 में, ये जो भारतीय जनता पार्टी शोर मचा रही है, 2015 में इन्होंने सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में हटाया, यही अफसपा का इन्होंने 2018 में मेघालय में हटाया, यही 2015 में, अब जम्मू कश्मीर की मैं बात करता हूं, जब इन्होंने अपनी महबूबा के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई, देखिए महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने अपनी जब सरकार बनाया 2015 में, उसमें एक कॉमन मिनिमम एजेंडा तय किया। वो कॉमन मिनिमम एजेंडा क्या था? कि जम्मू कश्मीर से हम अफसपा हटाएंगे, और उस कॉमन मिनिमम एजेंडा पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के सिग्नेचर, अमित शाह जी के दस्तखत। हमने तो कहा रिव्यू करेंगे। देखिए, ये सारे लोग यहाँ बैठे हैं और देश की जनता आपका चैनल देख रही होगी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर हालात सामान्य हुए, क्या आप सब लोग कहते कश्मीर को नॉर्थ ईस्ट के जैसा देखा जाना चाहिए? जहां हालात सामान्य हो चुके हैं वहां पर ये कदम उठाया गया। इन्होंने कहा हम वहां से हटा देंगे जहां पर इनके नेता सैफुद्दीन सोज कांग्रेस के नेता है, चाइना से कहते हैं कांग्रेस के नेता है, हालात सामान्य हो गए। कांग्रेस के नेता कहते हैं कश्मीर को आजाद कर देना चाहिए, कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज, और जहां पर इनके अलायंस पार्टनर कहते हैं अब्दुल्ला साहब, इनके तो पार्टनर है ना, अरे कश्मीर को अलग प्रधानमंत्री देना चाहिए। तो आप सोचिए क्या कांग्रेस तैयारी तो नहीं कर रही है? ये मैनिफेस्टो भी लेके आए हैं अफसपा हटाने का, इनके पार्टनर कहते हैं प्रधानमंत्री अलग होना चाहिए, इनके अपने नेता कहते हैं कश्मीर आजाद होना चाहिए, राहुल गांधी को केरला में वहां से चुनाव लड़ना पड़ता है, मुस्लिम सवाल है। अगला सवाल सुन लीजिए, बहुत दिलचस्प सवाल है कि राहुल गांधी के वायनाड जाने से क्या कांग्रेस को फायदा होगा? इस सवाल के साथ लौटेंगे इस क्विक ब्रेक के बाद। है हम बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी और कांग्रेस के समर्थक अनुज अत्रे से, और चल रहा है टक्कर। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, आप ये बताइए कि क्या राहुल गांधी के वायनाड जाने से कांग्रेस को दक्षिण भारत में फायदा होगा? आपका क्या मानना है? फिर हम चलेंगे नेताओं के पास। दक्षिण भारत में जाने से कोई फायदा नहीं होगा, जहाँ पे राहुल जी ने इतने साल काम किया है वहीं पे वो मजबूत नहीं दिख रहे हैं, तो वायनाड में जाकर के क्या कर लेंगे? यहाँ पर आगे आप बताइए क्या फायदा होगा राहुल गांधी को? राहुल गांधी को अपनी इज्जत बचाने के लिए वायनाड गए हुए हैं, इनमें न कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला है और न राहुल गांधी को कोई फायदा होने वाला है। जनता जनार्दन की आवाज है, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि राहुल गांधी के वायनाड जाने से दक्षिण भारत में कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि वायनाड जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के ठीक बीच में है, और शायद वहां पर दक्षिण भारत में जहां राहुल गांधी पॉपुलर है वहां कांग्रेस की हवा चले? दो चार सीट जीत सकते हैं ज्यादा, लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा फायदा होगा। ज्यादा फायदा होगा ऐसा आपको नहीं लगता? आपको क्या लगता है? वहाँ अभी नॉर्थ से साउथ जा रहा हूँ, उन्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। यहाँ पर एक राय है, इस तरफ किसकी राय है, कौन कहना चाहता है? आप बताइए क्या कोई फायदा होगा राहुल गांधी? विनाश काले विपरीत बुद्धि, राहुल गांधी अमेठी हार रहे हैं इसलिए वायनाड गए हैं। राहुल गांधी अमेठी हार रहे इसलिए वायनाड गए हैं। मैं ये बता दूं कि ये जीआईपी मॉल पे मौजूद लोगों की आवाज है। अनुज अत्रे जी, यहां से शुरू करता हूं, क्या आपकी ये स्ट्रैटेजिक भूल है? क्योंकि बीजेपी लगातार आप पर आरोप लगा रही है कि आप एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए हैं जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, और आप अल्प बहुसंख्यक बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए ही नहीं है, ये आपका डर बता रहा है, और आप मुस्लिम लीग के अलायंस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुस्लिम लीग का एक जो बहुत अहम मुद्दा उठाया है, और भारतीय जनता पार्टी को तो ना जाने विकास पे तो बात करनी नहीं है, जो कि नितिन गडकरी जी ने भी अभी दो दिन पहले इनको चेताया है कि काम पे बात करो ना, काम पर वोट मांगो, देशद्रोह और ये हिंदू मुसलमान पे वोट मत मांगिए, इससे जनता खुश नहीं होगी। थोड़ा सा आपको तालियां मिल सकते हैं लेकिन वोट नहीं मिलेगा, वोट काम जो किया है उस पर बात कीजिए। और अगर आप बात करें मुस्लिम लीग की,
तो दीपक जी, मुस्लिम लीग की मैं आपकी जनता के सामने बताना चाहूंगा, इस देश में गठबंधन की सबसे पहली सरकार अगर जब बनी थी तो बंगाल में जनसंघ के साथ मुस्लिम लीग की सरकार बंगाल में बनी थी, जिसमें इनके माननीय श्रीमान श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वित्त मंत्री थे। और मैं बताना चाहूं, मुस्लिम लीग के साथ जिस समय 1977 में पूरा विपक्ष कांग्रेस के एकजुट हो गया था, एक साथ हो गया था, जब देश में जो विपक्ष की सरकार बनी थी उस समय जनसंघ और ये लेफ्ट और ये मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग वही मुस्लिम लीग है जो आज मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, उनके साथ इन्होंने सरकार बनाई, हमने आज तक सरकार नहीं बनाई। ये जिस मुस्लिम लीग का झंडा आपकी तो आज है, ये मुस्लिम तो 1977 में दोस्ती थी आपकी तो आज है। देखिए सुन लीजिए, आज की बात करिए, तो आज की ये मुस्लिम लीग से दोस्ती करे तो इनका तो ये पुण्य हो गया, हम करें तो हमारा ये पाप हो गया। ये क्या, ये दो पैमाने कैसे हो सकते हैं लोकतंत्र में? पुण्य क्या ये मुस्लिम लीग या वही मुस्लिम लीग? इनका पुण्य पुण्य नहीं है पर इनका पाप थोड़ी पाप है। सी ये गलत बात, थोड़ी सी जानकारी की कमी होगी लेकिन मैं दुरुस्त कर देता हूँ, आगे भी काम आएगी। मुस्लिम लीग वहां वहां से चुनाव लड़ी थी जहां जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, जैसे कि अभी राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी भी इसलिए गए हैं ना क्योंकि वहां पर 31% हिंदू है बाकी मुस्लिम है और मुस्लिम को देखते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा था। मुस्लिम लीग ने भी वहां वहां से चुनाव लड़ा था जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, वहां पर दूसरा कैंडिडेट खड़ा नहीं किया गया था, मुस्लिम लीग जीत गई थी। और जब वो जीत गई थी तो उसके बाद कहता हमें दूसरा देश चाहिए। अब राहुल गांधी जी कहां देश बनाने वाले हैं वो तो राहुल गांधी जी बताएंगे, क्योंकि इस देश के अंदर जिस लोकसभा क्षेत्र से वो आते हैं उस लोकसभा क्षेत्र में ये आप देखिए, इंदिरा गांधी जी, राजीव जी, सोनिया जी, फिर राहुल जी, सभी लोग उसी लोकसभा से लड़ते हुए आ रहे, रायबरेली से, अमेठी से। आज हम इनको ओपन चैलेंज करते हैं, प्रधानमंत्री जी मात्र 5 साल के लिए वाराणसी के सांसद बने वाराणसी से, और ये पूरी जिंदगी पीढ़ियां की पीढ़ियां निकल गई अमेठी में। अभी भी बता दे 70 सालों वर्सेस 5 साल का काम, वाराणसी बदल दिया 5 साल में। ये क्या झक मार रहे थे वहां बैठ के? आज तक अमेठी नहीं बदल पाए। और स्मृति ईरानी से घबरा कर, आज स्मृति ईरानी जी वहां गई है, उनसे घबरा कर राहुल गांधी ने साउथ में भागना शुरू कर दिया। अरुण जेटली जी, देखिए स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी का हुआ बहुत बड़ा बनाया गया, क्या ये वही स्मृति ईरानी है? डर गए ना, किससे लड़ेंगे? हम उस स्मृति ईरानी से लड़ेंगे जो आज तक एक भी चुनाव नहीं जीती, जो पिछली बार राहुल जी से हारी, उससे पहले चांदनी चौक से हारी, आज तक एक चुनाव नहीं जीती। वो स्मृति ईरानी कह रही है कि मुझसे डर गए। देखिए वायनाड क्यों गए, मैं उस पर भी आपके बता देता हूं। वायनाड एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि साउथ इंडिया की, वहां के दक्षिण के लोग, हम इनकी तरह नहीं है, हम देश में विभाजन नहीं करते। दक्षिण के कांग्रेस के नेता, दक्षिण के कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे अलायंस पार्टनर लगातार ये बात का निवेदन करते आ रहे थे कि राहुल जी दक्षिण से आए, उत्तर और दक्षिण के बीच में जो गैप पड़ गया है वहां के सांस्कृतिक मिलाप होना चाहिए। और ये वायनाड एक ऐसी सीट है कि जो केरल प्रांत में आने के साथ साथ कर्नाटक की टेरिटरी और तमिलनाडु की दो दो टेरिटरी एक साथ जुड़ती है, तो वहां 34 सीटों का मिलन होता है। लेकिन हम डरे नहीं है, डरे तो वो थे जो 2014 में गुजरात छोड़ के, वडोदरा छोड़ करके, जहां से मुख्यमंत्री है, वाराणसी आ गए, जो रणछोड़ अमित शाह जी ने कहा था। तो उनसे बता दीजिए कि क्यों गुजरात से डर गए, उन्हें क्यों वाराणसी आना पड़ा, क्या वो रणछोड़ खाएगा? हमने तो इस प्रकार की कभी जो है हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं किया। और देखिए ये ऐसे शख्स को बार बार टिकट देते हैं, ना जाने क्या इनको स्मृति ईरानी से लगाव है कि उनको मंत्रालय भी देते हैं, एचआरडी मिनिस्टर भी देते हैं, ऐसे व्यक्ति को एचआरडी मिनिस्ट्री देते हैं जिसकी आज तक शिक्षा की डिग्री का नहीं मालूम, और उसके बाद उसका मंत्रालय बदल देते हैं। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी जी का सम्मान देखिए, कितने सम्मानित, उनको कितना सम्मान दिया गया, आज तक चुनाव नहीं आ रहे बेचारे, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे, हाथ जोड़ के 5 साल तक अमित शाह और माइक बोलिए बोलिए, इन्होंने उनका नमस्ते का जवाब नहीं दिया, देखिए आ गया सच सामने। लेकिन टिकट काट दी, टिकट काट करके अमित शाह जी लड़ने लग गए, मोदी आडवाणी जी की टीम देखिए, मुझसे पूछा नहीं गया। और 2 दिन पहले उनके मार्गदर्शक लालकृष्ण आडवाणी जी, जो इनके मार्गदर्शक है, अपना ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग में बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी और मोदी जी को कि इस देश में सरकार का विरोध करना देशद्रोह नहीं है, जो आपकी पार्टी का विरोध करता है, आपसे प्रश्न पूछता है, वो देशद्रोही नहीं है। तो उनकी मार्गदर्शक का जो आपने मूक दर्शक बना दिया, वाजिब मुद्दा मूक दर्शक सवाल ये है कि 75 साल से ऊपर वालों का टिकट आपने काटा, अगर एक नियम बनाए वो तो ठीक है, लेकिन बड़ा प्रश्न पूछता है वो देशद्रोही नहीं है, तो उनकी मार्गदर्शक का जो आपने मूक दर्शक बना दिया, वाजिब मुद्दा मूक दर्शक सवाल ये है कि 75 साल से ऊपर वालों का टिकट आपने काटा, अगर एक नियम बनाए वो तो ठीक है, लेकिन बड़े अनसेरेमोनियल ढंग से काटा, बड़ी बेइज्जती के साथ काटा गया, ये आरोप है और कई लोगों को देश में ऐसा लगता है। बड़ी बदतमीजी से बोले राहुल गांधी जी, क्या बोला आपने देखा ना, कल ट्वीट किया उन्होंने, ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि इतने बदतमीजी नहीं हो सकते, दोनों बराबर है सर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर है। अब दूसरी बात, करने में दोनों बराबर है। दूसरी बात इन्होंने उठाई,
मैं आप ये देखिए एक ऐसा परिवार है इस देश का, आप शुरू से ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी का क्या बिजनेस था सोचिए, उसके बाद इंदिरा गांधी जी वकील थे वो देश के बहुत बड़े, मैं बता रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू जी मोतीलाल नेहरू जी इस देश के बहुत बड़े वकील थे, वो जब खानदानी रईस थे, जिन जिस बारे में किताबाल जेल रहे हैं नेहरू जी ने क्या, मैं बता रहा हूँ, स्वतंत्रता संग्राम बता रहा हूँ मैं, जिस बारे में इन्होंने अपनी किताबों में कोट किया कि उन्होंने वहां पर पैरवी करी थी वकालत के तौर पे, उस टाइम वो बरमूडा पहन के वहां पहुंचे हुए, तो वो भी गलत लिखा था, लेकिन आप देखिए ना जवाहरलाल नेहरू जी क्या काम करते थे, कुछ नहीं पता चलते ही नहीं, इंदिरा गांधी जी हाई स्कूल पास नहीं कर पाई थी, इनको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं इनको हाई स्कूल पास नहीं कर पाई थी, वो क्या काम करती थी इनको शायद नहीं पता होगा। उसके बाद केवल एक व्यक्ति इन परिवार के अंदर था जिसने कुछ टाइम के लिए एक प्रोफेशनल जॉब ली थी, केवल राजीव गांधी जी पायलट बने थे, उसके अलावा इस पूरे परिवार के अंदर आज तक इन्होंने क्या काम किया, इनकी दुकान, इनका पान की दुकान, इनका मकान कहां से चलता हमें नहीं पता। बात यहां पर केवल इतनी आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि काम के ऊपर बताना चाहिए, मैं काम के ऊपर ही बताना चाहता हूं, जिस सैनिक से ये हथियार छीन रहे हैं उस सैनिक को वन रैंक वन पेंशन हमने दिया, जिस सैनिक को ये ताकत नहीं देते थे, आपको पता है पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के पास जब मुंबई के अंदर कत्लेआम हुआ, सड़कों पे लोगों को उड़ाया गया बंदूकों से गोलियों से आतंकवादियों ने, तो एयर चीफ मार्शल उनके पास गए, उन्होंने कहा कि अरे भाई हमें भी परमिशन दीजिए, हम जाकर वहां पे बदला लेके आएंगे, तो पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा बदला लेने मत जाना, वापिस आएंगे मारने के लिए। ऐसी डरपोक लोग जो हमारे यहां पे खड़े होके, और लोकसभा भी वो चुनते हैं जहां इनको अपने लोग मिलते हो, अपने लोग कौन, जिसकी वो अपनी पार्टी बताते हैं, तो है ही मुसलमानों की, अरे भाई देश की पार्टी बोलिए, अब मुसलमानों की पार्टी कैसे हो गए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, एक बड़ा मुद्दा उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने, हिंदू आतंकवाद वाला शब्द कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, खुद प्रधानमंत्री ने वर्धा की रैली में क्या कहा, आप ये बताइए कि हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द वाले बीजेपी के अटैक से कांग्रेस को नुकसान होगा? कांग्रेस हारेगी 100% हारेगी। मैं नेहरू जी के लिए एक बात कहना चाहता हूँ भैया, ये तो एक कदम आगे चले गए, ज्यादा टिप्पणी ना करें बेहतर होगा, आप बताइए क्या हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द वाले बीजेपी के अटैक से कांग्रेस को नुकसान होगा? कांग्रेस को बिल्कुल नुकसान होगा इस चीज से। क्यों लगता है? उन्होंने हमेशा जो भी किया है मुसलमानों के आगे ही किया है, ऐसा लगता है आपको, ये इंप्रेशन है आपका? बिल्कुल। देखिए एनसीआर के लोग क्या सोचते हैं, जीआईपी मॉल के लोग क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है क्या हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द जो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने उठाए हैं उससे कांग्रेस को नुकसान होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर इन्होंने हिंदू का किया होता तो अभी ये कुछ टाइम से जो टेम्पल जा रहे हैं वो नहीं स्टार्ट करते, वो पहले तो इनकी इमेज थी नहीं, वो तो अभी इन्होंने स्टार्ट किया। हिंदू आतंकवाद वाला शब्द, अनुज अत्रे जी क्या गलती थी पी चिदम्बरम साहब की, दिग्विजय सिंह साहब की, सुशील कुमार शिंदे साहब की? देखिए पहले तो मैं राहुल गांधी जी ने भी बोला, सुन लीजिए मैं बताता हूँ, पहले उन्होंने विदेश में बोला था, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ कि किसी भी कांग्रेस लीडर ने हिंदू आतंकवाद नहीं, संघीय आतंकवाद जरूर कहा, जो संघ के आतंकवाद में, संघ के देश में जो आतंकवादी, केवल हिंदू आतंकवाद। राहुल गांधी ने विदेश में कहा हमें लश्करे तैयबा से इतना खतरा नहीं है जितना हिंदू आतंकवाद से खतरा है। मैं बताता हूँ उनके, चलिए हिंदू आतंकवाद पे ही मैं आता हूँ। हिंदू आतंकवाद हमारी सरकार के समय में किसने कहा, तत्कालीन गृह सचिव जो थे श्री आर के सिंह जी, सरकार की थी अनुज अत्रे साहब, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, इन्वेस्टिगेशन कौन करा रहा था? दिग्विजय सिंह ने क्यों कहा था कि हेमंत करकरे को मारने वाले हिंदू फंडामेंटलिस्ट थे? दिग्विजय सिंह ने क्यों कहा था जबकि वो कसाब की गोली से मरे थे? जवाब दीजिए, मैं जवाब देता हूँ, ये वही आर के सिंह जी हैं जो आज मोदी जी की बात का जवाब दीजिए, हेमंत करकरे मोदी, मैं हेमंत करकरे आर के सिंह की बात का जवाब दूंगा, जो इनकी सरकार में इन्होंने तो उनको इनाम दिया ना, आर के सिंह जी ने, जिन्होंने कहा कि मेरे पास पुख्ते सबूत है गृह सचिव होते हुए, गृह सचिव देश का बहुत बड़ा पद होता है मिनिस्ट्री में, उन्होंने कहा मेरे पास पुख्ता सबूत है, आरएसएस के लोग आतंकवाद में शामिल है उनके मेरे पास पुख्ता सबूत है, और मोदी जी ने उनको सांसद बनाया, सांसद बनाने के बाद पूरे 5 वर्षों तक अपने साथ गले लगा के मंत्री बनाया। आप पूछ लीजिए अगर उन्होंने झूठ बोला तो क्यों दिया, इसका मतलब वो सच बोल रहे थे और आपने उनको लिया। और देखिए ये मैं आता हूं हिंदुओं के ऊपर, जो आज हिंदू शब्द पे ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती आई है सन 1989 से, हिंदुओं के नाम पर इन्होंने अपनी राजनीति शुरुआत की, और आज भी चुनाव 2019 में विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, तो इनका हिंदू प्रेम मैं बताता हूं कि हिंदू प्रेम क्या है इनका, इन्होंने हिंदुओं के साथ कैसे धोखा दिया, सबसे ज्यादा हिंदुओं से वोट इन्होंने वोट मांगे, और इन 5 सालों में अगर सबसे ज्यादा
जो बुरे दिन देखे, जो अच्छे दिन दिखाने का वायदा करने वालों ने देश के हिंदुओं के सबसे ज्यादा बुरे दिखाए। देश के हिंदुओं से वायदा किया कि हम राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन 4.5 साल बता दीजिए किसी नेता ने कोई राम मंदिर के विषय में जिक्र किया हो। प्रधानमंत्री ने कहा था हमारी जिस दिन बहुमत की सरकार आएगी हम संसद में कानून बना के राम मंदिर का रास्ता लेके आएंगे, लेकिन नहीं, जब चुनाव आया मैं शॉर्ट चुनाव आया, लेकिन मोदी मोदी कहने से नहीं होगा। और सुन लीजिए, अनुज मैं एक बात बताऊं, आप जितना हिंदू हिंदू बोलेंगे उतना इनको फायदा होगा, क्योंकि अगला सवाल और 8वां सवाल मेरा यही है कि क्या चुनाव की तारीख नजदीक आते ही ध्रुवीकरण की सियासत तेज हो गई है? राजीव जेटली जी जवाब। मैं बार बार आप को याद आया, मैं तो गलती कर रहा था सुबह शुरू से, इनको कहता था मुसलमानों की पार्टी, मेरे से गलती हुई, मुस्लिम पुरुषों की पार्टी, सॉरी ये गलती हो गई थी मेरे से। ये ट्रिपल तलाक पे मुस्लिम महिलाओं के लिए जब हम बिल लेकर आते हैं तो हमारा समर्थन नहीं करना चाहते, मेरे से बहुत बड़ी गलती, मैं माफी चाहता हूँ। ये मुस्लिम पुरुषों की पार्टी है, मुस्लिम महिलाओं के लिए तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा मैं ट्रिपल तलाक पे बिल लेकर आ रहा हूँ। राम मंदिर की बात करते हैं, पहले मुसलमानों की तो बात कर लो, उनकी महिलाओं को तो समृद्ध कर लो, उसके बाद आएंगे राम मंदिर पे भी चर्चा करेंगे। जवाब ले लें, आप ही की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा कि अगर हम सरकार में आए तो ट्रिपल तलाक का बिल वापस ले लेंगे, यानी महिलाएं जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित हैं वो पीड़ित ही रहेंगी। क्या शाहबानो आप एक बार फिर दोहराएंगे, क्योंकि सुष्मिता देव ने ये घोषणा की है? देखिए मैं बताऊं, जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है मैं वो आपको बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है कि ट्रिपल तलाक की जो ये अभिशाप है खत्म होना चाहिए। जिस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कांग्रेस, हम लोग नहीं करते, देखिए हम कहते हैं, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिपल तलाक के नाम पर जो मुसलमानों में विभाजन करने की कोशिश की, उनको अपमानित करने की कोशिश की, जो इसमें ऐसे ऐसे क्लॉज लगाए कि जिसमें मुसलमानों को विरोध था, हम कहते हैं इसको मुस्लिम पुरुष बोलो, पुरुष के निश्चित तौर पर महिला मुसलमान बोलो, जो मुस्लिम पीड़ित महिला जो हमारी बहन पुरुष पीड़ित है उसका इन्होंने किस प्रकार से दोहन करने की इन्होंने साजिश की, हम उस चीज का विरोध कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि जब तलाक देने पर किसी और धर्म में 3 साल की सजा का प्रावधान नहीं है तो आप क्यों इसमें 3 साल की प्रावधान जानबूझ के डाल रहे हैं ताकि इसमें विरोध हो। और देखिए ये मुस्लिम प्रेम और मुस्लिम विरोध की बात करते हैं, ये इन्होंने बात करी थी गाय का, तो गाय रक्षा का तो मुद्दा उठा ही नहीं रहे, हम उठाते हैं ना। इन्होंने गाय रक्षा पे लाने की बात करी थी, गाय रक्षा पे गाय रक्षा कानून लाने में तो किसी ने नहीं रोका, इनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार थी, लेकिन क्या कारण हो गया कि इनकी सरकार के समय में हमारा देश बीफ एक्सपोर्ट करने में विश्व का सबसे नंबर वन देश हो गया। और सुनिए, जो बीफ एक्सपोर्ट करती है कंपनियां उनसे चंदा कौन लेता है? भारतीय जनता पार्टी ने उनसे चंदा लिया है। आप लोगों को मैं बिल्कुल सिद्ध करना चाहता हूं और आपकी आंखें खोलना चाहता हूं, केवल किस दुष्प्रचार में नहीं आना चाहिए, इनके दोगले चरित्र और दोगले चेहरे को देखकर बढ़ता हूं। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं, क्या इस बार के चुनाव में बीजेपी को राम मंदिर मुद्दे का फायदा नहीं होगा? ये अगला सवाल है, मुझे बताइए क्या राम मंदिर मुद्दे का बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, बीजेपी को राम मंदिर मुद्दे पे कोई फायदा नहीं होने वाली, क्योंकि जनता जानती है कि कोर्ट मामला कोर्ट में चल रहा है तो सारी चीजें कोर्ट में ही अटकी हुई है। अच्छा, कोर्ट में अटकी हुई, आपको क्या लगता है क्या राम मंदिर मुद्दे का बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, ये तो हमेशा से ही सर्वोच्च न्यायालय का मुद्दा रहा है, तो ये तो मुद्दा न्यायालय का ही मुद्दा है। आप ये मानते हैं कि बीजेपी जो मंदिर बनाने का वादा करती रही थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई फिर भी मंदिर नहीं बनाया, ये इनकी कमजोरी है? नहीं नहीं, बीजेपी तो चाहती है कि मंदिर बने और न्यायालय के हिसाब से बने, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती है कि मंदिर बने। कांग्रेस नहीं चाहती है कि मंदिर बने, आपको क्या लगता है बीजेपी चाहती है मंदिर बने? बिल्कुल चाहती है बीजेपी, लेकिन उन्होंने 5 साल में बनवा नहीं, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, चाहते तो बनवा सकते थे। हर चीज 5 साल में नहीं हो सकती है, टाइम दीजिए सब कुछ होगा, टाइम दीजिए, ये इनका कहना है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय? मेरी राय ये है कि बीजेपी चाहती है कि वहाँ राम मंदिर बने और बनना भी चाहिए, और कांग्रेस सरकार नहीं चाहती कि वहाँ राम मंदिर बने, और मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार इस बार फिर से पार्टी बनाएगी अपनी और कांग्रेस फिर से। ये तो 23 मई को पता लग जाएगा कौन जीतता है। आपको क्या लगता है क्या राम मंदिर मुद्दे का बीजेपी को फायदा इन चुनाव में नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे फायदा नहीं हो, मोदी जी को ऐसे फायदा नहीं होगा, लेकिन इस बार 5 साल के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि राम मंदिर बन के रहेगा मोदी जी के राज में। अगले 5 साल के अंदर राम मंदिर बनेगा, आपको क्या लगता है बीजेपी वाले बनवाएंगे? देखिए, अगर मैं राम मंदिर मुद्दे की बात करता हूँ तो ये मोदी जी का ही नहीं, ये पूरे देश का फैसला है, और इसमें जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो इसमें अड़चन ना डालें, क्योंकि जिस देश जो एक हिंदू राष्ट्र देश है वो उससे हम हिंदू राष्ट्र है नहीं। देखिए, ये तो विडंबना ही है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र
एक देश मैं सोचता नहीं हूँ, संवैधानिक हकीकत बता रहा हूँ आप। तो सर देखिए, मेरे हिसाब से बीजेपी जो है जैसे ही सत्ता में आती है तो एक बहुत ही पूर्ण बहुमत से जो है राम मंदिर बनेगा। और मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, राम मंदिर जरूर बनेगा। ठीक है राजीव जेटली जी, देखिए जनता कितनी भोली होती है, 5 साल तक आपने राम मंदिर का नाम नहीं लिया लेकिन इशू को आपसे अटैच मानते हैं। मुझे ये बताइए कि राम मंदिर के नाम पर और कितने साल आप जनता से वादा करते रहेंगे? देखिए पहली बात है, ईमानदारी के साथ देखिए, अगर इतना आसान होता, आसान का मतलब मैं कह रहा हूँ कि चुनाव जीत लेना मुश्किल था, तो आपने पार्लियामेंट में 1980 के अंदर ये क्यों कह दिया कि हम राम मंदिर वहाँ बनाएंगे, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में उसको शामिल कर दिया। मैं बिल्कुल अभी भी कह रहा हूँ, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, कितना आसान होता, राम मंदिर बन जाता, हम चुनाव जीत जाते, हमारी सरकार बन जाती। भाई एक चीज कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर है, न्यायालय में हम लड़ किससे रहे हैं? लड़ भी तो हम कांग्रेस से ही रहे हैं। नहीं कांग्रेस से नहीं लड़ रहे हैं आप, राजीव जेटली जी आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं आपको फैक्चुअली और लीगली करेक्ट कर सकता हूं कि वहां पर आप मुस्लिम पार्टी से लड़ रहे हैं, कांग्रेस उसमें पार्टी नहीं है। कपिल सिब्बल साहब कौन है? कांग्रेस के नेता है, सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े राहुल गांधी है सबसे बड़े नेता। अब मुद्दा यहाँ पर यह आता है कि अभी थोड़ी देर पहले आप चौरसिया जी बात कर रहे थे, मैं बात अधूरी रह गई थी गौ प्रेम की। मैं एक बात पे तो इनकी दाद देता हूँ, अभी मध्य प्रदेश में एक निर्णय लिया गया है कि जो पढ़े लिखे युवा होंगे उनको गाय हांकने की ट्रेनिंग दी जाएगी और पढ़े लिखे युवाओं को बैंड बजाना सिखाया जाएगा। हम कहते हैं कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं होता, अच्छी बात है, करना चाहिए। कमलनाथ जी ने स्टेप उठाया है, करना चाहिए, बैंड बजाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, अच्छी बात है, रोजगार देना अच्छी बात है, मुद्रा लोन हम दे देंगे उनको, हम बैंड बजाने की ट्रेनिंग ये देंगे, बैंड बजाने की कंपनी हम खुलवा देंगे उनकी, गाय हाँकने की ट्रेनिंग ये देंगे, मुद्रा लोन लेके हम उनकी कंपनी जरूर खुलवा देंगे, वो दूध भी बेच सके अपना। तो हम थोड़ा सा आपका भी समर्थन करेंगे, जहां जहां आपकी सरकारें हैं आप मुद्रा लोन लेना, क्योंकि 16 करोड़ बच्चों ने, 16 करोड़ युवाओं ने, लगभग 7.5 लाख करोड़ बजाना है, 23 मई को बैंड जनता ने बजाना है। राजीव जी और अनुज जी आप कोई भी दावे कर लें पर 23 मई को बैंड जनता ने बजाना है। आखिरी सवाल बहस का, योगी के जवाब, एक मिनट मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, उसी के आसपास सवाल है कि योगी के मुस्लिम वायरस वाले अटैक से राहुल की जो हिंदुत्व की छवि उन्होंने बनाई थी गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पुष्कर में गए थे, जनेऊ पहना था, जनेऊधारी ब्राह्मण बने थे, अपने आप को शांडिली गोत्र का बताया था, तो वो जो सब कुछ किया था राहुल गांधी ने मुस्लिम वायरस और मुस्लिम लीग के साथ आने के बाद, उस पर तो बट्टा लग गया अनुज अत्री जी। देखिए पहली बात तो ये बताऊं कि हमारा मुस्लिम लीग से कोई हमारा गठबंधन नहीं है, जिन्होंने जिस प्रकार से इन्होंने सरकार चलाई, दो दो बार सरकार चलाई, उस मुस्लिम लीग के साथ आपका गठबंधन है केरल के अंदर, केरल में आपने उनके साथ सरकार चलाई, केरल में आप यूडीएफ के साथ हैं, यूडीएफ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों है, लेकिन मुस्लिम लीग के सारे हरे झंडे लेकर राहुल गांधी ने वायनाड में जाने से मना कर दिया था। मुझे बोलने दीजिए, मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने तब सरकार चलाई जब मुस्लिम लीग ने हमारे देश में बंटवारा करवाया, मुस्लिम लीग तो जब पाकिस्तान की मुस्लिम लीग थी वही मुस्लिम लीग के साथ में। अब दूसरा मेरे को जवाब देने दीजिए, राहुल जी उतना लपेटी है जिससे पेट में दर्द ना हो, रात में पेट में दर्द होता है। मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए आज सब लोग प्रश्न उठाते हैं राहुल जी की हिंदू बन गए, जनेऊ पहन लिया, टीका लगा लिया। हम ये पूछना चाहते हैं, योगी जी भी कह रहे हैं वायरस आ गया, योगी जी के जहां से वो मुख्यमंत्री है उसी प्रदेश में एक और गांधी, दो गांधी वहां से सांसद हैं, एक वरुण गांधी नाम का उनकी पार्टी में सांसद है जो इसी परिवार से है, उनके पूर्वज भी वही है। राजकुमार के भैया है, थोड़ा तमीज से बोलिए, सुन लीजिए मेरी बात करके क्यों बोल रहे हैं यार, उन्हें भी राहुल गांधी की तरह समझिए, सम्मान से राहुल गांधी जी की तरह समझिए, हमारी है ही नहीं, तो हमने बोला लेकिन मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं 30 सेकंड में, ये क्या वरुण गांधी कहां से हिंदू हो गए? अगर वो हिंदू है तो वो राहुल गांधी कैसे हिंदू नहीं है? उनके भी तो पूर्वज वही है, वो तिलकधारी वरुण गांधी, तो इन्होंने कब कहा वरुण गांधी हिंदू है? देखिए सुनिए, इन्होंने कब कहा? बीजेपी ने इनके तो सबसे बड़े हिंदूवादी लीडर है वरुण गांधी, मेनका गांधी, और वही राहुल गांधी पे ये प्रश्न उठाते हैं, ये दो मुंह चरित्र कैसे चलेगा? आखिरी 30 सेकंड मुझे कंक्लूड करना है। देखिए ये हिंदू मुसलमान अच्छा बुरा काम किए या नहीं किए ये देश की जनता ने निर्धारित करना है, ये हम लोग यहाँ बैठ के कितने भी बहस कर लें इस बात से कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। हमने कहा कि हमने बहुत कुछ बदलाव किए इस देश के अंदर, इस देश की जनता जानती है हम
किए या नहीं किए ये देश की जनता ने निर्धारित करना है। ये हम लोग यहाँ बैठ के कितने भी बहस कर लें इस बात से कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। हमने कहा कि हमने बहुत कुछ बदलाव किए इस देश के अंदर, इस देश की जनता जानती है। हम कभी सोचते भी नहीं थे कि हमारा देश विकसित देशों की तरफ भी बढ़ सकता है, विकासशील विकासशील विकासशील। अरे अभी तक लाखों करोड़ रुपए के प्रचार विकासशील देशों पे होते आए, विकासशील शब्द चलता था, कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब हम विकसित देश बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते बीच में कोई भी रोड़ा बीच में आए। देश की जनता ठोकर मारेगी ऐसे लोगों को जिन लोगों ने इस देश का विकास रोक के रखा था। विकासशील नाम से इस देश को चलाना चाहते हैं हम, विकसित देश बनाने वाले हैं। आखिरी कमेंट, आप क्या कहेंगे इस बहस पे? आपको क्या लगता है 23 मई में क्या दिख रहा है? मोदी जी इधर, आपको क्या लगता है क्या दिख रहा है 23 मई? मुझे तो ये लग रहा है कि इस बार जो भी आए लेकिन वो इस जो धर्म की चीजें चल रही वो खत्म हो जानी चाहिए। और मेरा बीजेपी से एक सवाल है, राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया तभी उन्होंने 3 स्टेट्स अभी आप देखिए 1 साल प्रेसिडेंट जीत लिए हैं, आपने उन 3 स्टेट्स के बाद ऐसा क्या कर दिया कि आप इस 23 मई को जीतने की उम्मीद रखते हैं? 10 सेकंड राजीव जेटली जी, बड़े देर बाद आपके लिए सवाल आया, 10 सेकंड मेरे कंक्लूड। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने कहा था कि राजस्थान में ऐसा होता है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, हमने नहीं, कांग्रेस ने कहा था। बावजूद उसके जो कांग्रेस के हालात होते थे हारने पे, आज देखिए कांग्रेस को रेंग रेंग के चलना पड़ा। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जीती जरूर लेकिन ज्यादा वोट किसको मिले? भारतीय जनता पार्टी को। कितने साल के बाद, 15 साल की सरकार के बाद अब देखते हैं कि वो जो गाय हांकने की ट्रेनिंग और बैंड बजाने की, उसमें युवाओं को रोजगार मिलता है या नहीं मिलता? यही पे मैं आपको रुकूंगा। एक नए रोजगार की तरफ बात की है कमलनाथ जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, वो बैंड बजाने की ट्रेनिंग युवकों को देना चाहते हैं और छिंदवाड़ा में एक बैंड स्कूल खोलना चाहते हैं। अच्छा सुझाव है, अच्छा विचार हो सकता है, इनोवेटिव है, लेकिन हम असल में ये कहेंगे कि चुनाव में असली बैंड जनता बजाती है और जनता किसका बैंड बजाएगी और किसके पक्ष में नाचने की धुन लगाएगी इसका असली फैसला 23 मई को हो जाएगा। हमारी इस खास बहस नैले पे दैला टक्कर में जीआईपी से इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।